तो कांठल की आवाज के तमाम दर्शकों के लिए आज हमने एक हास्य से भरपूर कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और इसकी शुरुआत में हमने माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन कर और कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं कांठल की आवाज के इस कार्यक्रम में शुभारंभ के पहले सबसे पहले तमाम कवियों से परिचय कराना चाहूंगा जो आज इस कार्यक्रम में अपना हास्य का रस बिखेरेंगे। इससे पूर्व में यहाँ मौजूद कांग्रेस के नगर अध्यक्ष उदयलाल जी अहिर का हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने एक अल्प निवेदन पर हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई। मैं इस अवसर पर सभी कवियों का स्वागत करते हुए और कांठल की आवाज के तमाम दर्शकों के लिए इस कवि सम्मेलन की पेशकश की आधारशिला रखने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कवि सम्मेलन हर वर्ष हमारे कांठल की आवाज डिजिटल के माध्यम से ऊंचाइयों को छुए और हमें तरक्की के नए आयाम मिले, ऐसा आपका आशीर्वाद चाहता हूं। भगवान सांवला सेठ की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं इस अवसर पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष उदयलाल जी अहिर, जो कि हमारे क्षेत्र के हैं, जो कि हमारे वार्ड के हैं और जो कि मेरे ऑफिस के नजदीकी हैं, हमने इनको एक अल्प आग्रह पे बुलाया और इन्होंने हमें उपस्थिति देकर और हमारा इन्होंने मान रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अब मैं मंच पर बुलाता हूं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष उदयलाल जी अहिर को। होते हैं अतिथि हटीले बहुत इतराते हैं, होते हैं अतिथि हटीले बहुत इतराते हैं, देरी से आकर अतिथि हमें खूब तड़पाते हैं, लेकिन सर्व सुलभ हमारे उदयलाल जी, जब चाहे हम उन्हें पकड़ के ले आते हैं। श्रीमान उदयलाल जी साहब हमारे मुख्य अतिथि, स्वागत। कांठल की आवाज के संपादक भाई मनोज जी राठौड़ की तरफ से एक नई पहल जो आज यहाँ पे इस कार्यालय में की है, मैं उसके लिए कांठल की आवाज के अपने सभी प्रशंसकों को, प्रधान संपादक मनोज जी राठौड़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इन्होंने अल्प समय में समाचार पत्रिका में जो इन्होंने ईमानदारी से निर्भय होकर जो पत्रकारिता की है, मैं उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नए नित्य ये जो नवाचार जो इस समाचार पत्रिका में लाते रहते हैं और ऐसे ही एक और अभी आजकल देखने को मिल रहा है कि डिजिटल समाचार जो इन्होंने चालू किया, बहुत ही अच्छा है इन्होंने जो समाचार चालू किया है, मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रतापगढ़ के उभरते हुए और महान कवियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस प्रतापगढ़ के लिए एक नई पहल जो इन्होंने चालू की है, मैं उनके लिए होली के साथ साथ इनको भी शुभकामना देता हूँ। तो पुनः मैं प्रधान संपादक भाई मनोज राठौड़ जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक नवाचार करके जो एक प्रतापगढ़ शहर की जनता के लिए नई शुरुआत की, धन्यवाद बहुत बहुत। तो कांठल की आवाज के इस डिजिटल कवि सम्मेलन का आगाज हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और मुख्य अतिथियों का स्वागत हो चुका है। मैं इसी क्रम में कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व दो लाइनें, चूंकि कवि सम्मेलन है, चूंकि होली का माहौल है, होली के रंग है, मस्ती के रंग है, तो इन दो लाइनों से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा कि पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज्यादा है, पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज्यादा है। इसको तालियों की खुराक देते रहना दोस्तों, इसको तालियों की खुराक देते रहना दोस्तों, ये व्यक्ति कम है बवाल ज्यादा है। अब मैं कार्यक्रम का आगाज करते हुए कवियों का परिचय कराते हुए कार्यक्रम की डोर विजय जी विद्रोही के हाथ में सौंपना चाहूंगा। इससे पूर्व मैं कवियों का परिचय कराता हूँ। हमारे जो क्षेत्र के जाने माने कवि है और जो मंच पे उपस्थित है, उन सभी कवियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रतापगढ़ के काव्य रत्न हरीश जी व्यास का परिचय कराना चाहूंगा। ये प्रतापगढ़ जगत के काव्य जगत की बहुत बड़ी हस्ती है, जो कि वर्षों से इन्होंने काव्य जगत में अपना नाम हासिल किया है और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। इसके बाद मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा सुरेंद्र जी सुमन। सुरेंद्र सुमन वो नाम है जो प्रतापगढ़ से बाहर निकलकर और अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे भी ये चेहरा देखा जा चुका है और शेमारो टीवी पे शैलेश लोढ़ा के साथ एक कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति दिखी। हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इनकी उपस्थिति वहां भी रही है। अब मैं आपका परिचय ऐसी शख्सियत से कराना चाहूंगा जिन्होंने पिछले दो नगर परिषद के कवि सम्मेलन में बखूबी संचालन किया है और ये वो नाम है जो कि आज जन जन की जुबान पे है। ये विजय सिंह विद्रोही है। ये लोगों से बहुत प्यार करते हैं पर जब ये विद्रोह करते हैं तो हालात ही कुछ अलग होते हैं। तो ये इनका परिचय, विजय सिंह जी विद्रोही।
तो हास्य से सरोवर ये कवि सम्मेलन है और मैं परिचय करना चाहूंगा अमलावत की उस हस्ती का जिसने अमलावत से निकलकर और अहमदाबाद तक अपना नाम रोशन कर दिया। ये है धनपाल धमाका जिनके धमाके प्रतापगढ़ में आए दिन सुनने को मिलते ही रहते हैं। आज भी इन्होंने यहाँ इस मंच पर आकर सबसे बड़ा धमाका तो ये कर दिया कि मैं जा रहा हूँ मुझे 5 बजे भैंसों का दूध निकालना है। तो इनका स्वागत है और ये इसी तरह दूध निकालते रहे और हमें दूध पिलाते रहे। अब हम आपको लिए चलते हैं महाराणा प्रताप की इस पावन मेवाड़ धरा में जन्मे उस कुंवर प्रताप की ओर जिन्होंने 2 सालों में अपना नाम काव्य जगत में सशक्त हस्ताक्षर के रूप में छपवा लिया, अपना नाम लिखवा लिया। और कांठल की आवाज के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये अखबार वो मंच है जिन्होंने इस कवि को सबसे पहले हमारे अखबार में छापा और सबसे पहले कांठल की आवाज ने इनको दिखाया और आज उसके बाद में जो सफलता है वो सांवला सेठ की इन पर मेहरबानी है और माँ सरस्वती की इन पर कृपा है। अब मैं मंच का संचालन विजय जी विद्रोही को करने की आग्रह करता हूं ताकि इस कवि सम्मेलन को और नया आयाम दिया जा सके और यह सिलसिला बरकरार रहे। उत्साह उमंग का त्यौहार होली, प्रकृति के रंगों में रंग जाने का त्यौहार होली, सौहार्द और समरसता के साथ जाति धर्म के भेद को मिटाकर सबके साथ अपनत्व की भावना को लेकर चलने वाला त्यौहार, आगे बढ़ने की नित्य प्रेरणा देने वाला त्यौहार होली की कांठल की आवाज़ के सभी श्रोताओं को सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे सरजमी कांठल की धरती पर सभी लोग हिल मिल के रहते हैं और इस त्यौहार को बड़ी मस्ती के साथ मनाते हैं। तो सौहार्द के साथ समरसता के साथ इस त्यौहार को आगे बढ़ाएं। होली की शुभकामनाओं के साथ 4 पंक्तियां इस होली के कवि सम्मेलन में आज हमारे बीच सम्माननीय हरिजी व्यास साहब, परम सम्मानीय हरिजी व्यास साहब, सुमन जी, आदरणीय सुरन जी सुमन साहब, धनपाल जी धमाका जी, आदरणीय कुंवर प्रताप जी और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान उदयलाल जहीर साहब की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। पहली 4 पंक्तियां उस अखबार के नाम जिसने कांठल को एक नई पहचान दी, कांठल की आवाज। न्यूज़ दिखाते होता हमको नाच, बोलो सारा रा 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 रा। होली है, होली की बहुत शुभकामनाओं के साथ कांठल की आवाज निर्भीक पत्रकारिता के दौर में एक बहुत बड़ा नाम उभर के आए हैं हमारे मनोज जी राठौर साहब द्वारा। कांठल की आवाज द्वारा हमें रोज नित नई ताजा खबरें दिखाई जाती हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आइए कवि सम्मेलन की परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम मंगलाचरण माँ भगवती किसी चरणों में काव्य पुष्प अर्पित करें और इसके लिए मैं इजाजत मांगता हूं हमारे बहुत सम्मानित परम आदरणीय हरीश जी व्यास साहब से। मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप पधारें और माँ सरस्वती के श्री चरणों में काव्य पुष्प अर्पित कर हमें इस कार्यक्रम का आगाज करने की अनुमति प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ हरीश जी व्यास साहब। कांठल की आवाज समाचार पत्र के इस बैनर पर आज पहली बार कांठल की धरती पर नवाचार के रूप में यह कवि सम्मेलन होली के अवसर पर आयोजित है और होली के हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए माँ वीणा पाणी की कुछ पंक्तियां आपको अर्पित कर रहा हूँ। तू हमें वर दे ज्ञान की देवी तू वंदनी, शार दे शार दे तू हमें वर दे। पथ है अगम को राह खा, कर्म से हमको मुक्ति दे, पथ है अगम हमको राह दिखा दे, बुरे कर्म से हमको मुक्ति दे, तेरी शरण में है तेरे पुजारी, कराए हमको यह जीवन दे तू हमें वर दे। होली की हुरदंग इस मस्ती और आनंद की शाम जो कांठल की आवाज ने आपके लिए संजोई है, इसमें पहले कवि को आवाज देना चाहता हूँ और वो नाम बहुत प्यारा है, बहुत मस्ताना नाम है धनपाल धमाका, वो नाम जो सेमरो टीवी के माध्यम से खूब धूम मचा चुके हैं। ऐसे अनोखे कवि जिनके गाल पे आप लगा सकते हो रंग लगा सकते हो, नाक पे लगा सकते हो, बालों पे बाल नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी गंजी है, तो टाट पे भी आप खूब रंग लगा सकते हैं। मस्ती और आनंद की एक ऐसी कुमार है
जो हमारे बीच में अमलावत की धरती से ओवरलोड ट्रैक्टर पर लद के हमारे बीच पधारे हैं। ये बहुत बड़ी खासियत रहती है, ऐसा लगता है देख कर तो जैसे कि बरमुंडा की राजधानी बरुंडी से कोई हमारे मेहमान कभी पधारे हैं। धनपाल धमाका एक बड़ा नाम, केवल चार पंक्तियों के साथ उस मस्ती को आवाज देना चाहता हूँ कि देखने में तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, निहारो उनको, देखने में तो लगता बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, लोग कहते हैं केवल ढाका है, लेकिन साहित्य की अस्मत को बचाने का एक मात्र ढाका है, नाम धनपाल धमाका है। गांठल की आवाज के बैनर तले जो आयोजन आ रहा है, संपादक महोदय को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ होली के इस आयोजन पर। कि प्यारी लागे रे मन प्यारी लागे, फागुन वाली होली मन प्यारी लागे, और रूफाड़ी लागे रे या सुहाणी लागे, या फागुन वाली होली मन प्यारी लागे, अरे या चोखी लागे रे या सुहाणी लागे, या रंग रंगीली होली मन प्यारी लागे, ढूंढ देती भेष हमको प्यारी लागे। बहुत बढ़िया, अच्छा आयोजन भाई मनोज जी ने रखा है। चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। कि संवेदनाएं सारी व्यापार हो गई, घर की सारी दुनिया बाजार हो गई है, आशीर्वादों के परिंदे कट गए सारे, पीढ़िया इस दौर की तलवार हो गई है, पीढ़िया इस दौर की तलवार हो गई है। साहब 2016 में तीन चीजें फेमस हुई थी, आलिया, मालिया और वेस्ट इंडीज के कालिया। एक पैरोडी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि घर बार छूटा लंदन भागा, 900 करोड़ का चूना लगा, मालिया तू कमाल का, बातें भी दमाल की, निपटी जो फाइल तेरी बड़ी बेमिसाल की, बजर 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 बाजो रे, जो मालियो तो दन लई बाजो, मालिया तू कमाल का, तालियां बजाई। साहब हमारे बीच में मनोज जी बैठे हुए हैं, ये कांठल की आवाज का काम इन्होंने अब शुरू किया, पहले इनके गांव के अंदर चाय की दुकान लगाया करते थे। चाय की दुकान लगाते हुए लड़की को निहारते हुए किस अंदाज में कहते थे, जब भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हाय, तो लड़की का जवाब देखा कि काली सी सूरत हाथों में केटली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। रिसेप्शन प्रोग्राम हो रहा है, सब फोटो खिंचवा रहे, लोगों ने कहा कि धमाका जाके चार पंक्तियां इनकी दुल्हन के ऊपर सुनाओ। मैंने चार पंक्तियां साहब इनकी दुल्हन के ऊपर सुनाई, देखना कि गोभी जैया फूल लागे, हिवडारी हार लागे, नीला नीला नेण लागे, और वादड़ा के बीच जान चांदरी चकोर लागे। इनके ससुराल वाले बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि धमाका जी चार पंक्तियां हमारे जमई राजा के ऊपर भी हो जाए, अभी तक जिन जिन व्यक्तियों ने तालियां नहीं बजाई वो अपने हाथ खोलना। कि पाको यो सीतापल लागे, भेस जायो पाड़ो लागे, मकरा को भाटो लागे, और बूढ़ की डली के बड़े कारो जोड़ना चाहता हूँ कि विस्की मजान देगी ना पौवा मजान देगा, कि तेरे बगैर भेरू ये खाटिया देगा।
25 साल के हो गए हैं, अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, अगर आपकी कोई प्रेमिका भी नहीं है, तो समझ लेना कि आपका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है। अब लड़कियां भी बड़ी कमाल की होती है, किताबों में फोटो रखती है सलमान खान और विराट कोहली का, खुद की शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। तब कहना चाहता हूँ साहब, एक पेरुड़ी से जोड़ना चाहता हूँ कि दुनिया सभी पलट गई चाइना की चाल से, इंसान सभी उलट गया एक वायरस के जाल से, भारत में आया कोरोना हर मुसीबत को लेके, वर्षों के बाद फिर से आया महामारी वाला दौर, वो लाए हैं चाइना से कोरोना निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, कि बाहर नहीं जाना रे, घर में ही रहना रे, मास्क भी लगाना रे, कि बूस्टर की डोज देखो भूल नहीं जाना रे, बूस्टर की डोज देखो भूल नहीं जाना रे। बहुत अच्छी संदेश पेरोडी है, प्रति गीत है और ऐसा गीत जिसमें करुणा भी है, संदेश भी है, हास्य भी है, सब रस भरी पेरोडी में निवेदन करना चाहूँ। धमाका जी स्वागत साहब। हिंदुस्तान में एक स्वच्छ भारत योजना बनी, उस योजना के अंदर सब मेरे गांव के अंदर सभी के शौचालय बन गए। एक आदमी ऐसा निठल्ला जिसके शौचालय नहीं बना, उसकी पत्नी उसे कहती है पंचायत में जाओ 12,000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी व्यथा अपने पति को कहती है। साहब आप तक निवेदन करना चाहता हूँ, भारत में स्वच्छ भारत योजना बनी, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा तड़ी, कि भारत में स्वच्छ भारत योजना बनी, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा धनी। गांव के बीच में साहब उसका मकान, घर से साहब उसको निकलना पड़ता, सभी के शौचालय बने हुए, तो लोटा लेके वो निकलती है। अपने गांव की भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, कि डब्बो लेने जानो पड़े रहसे बाजारा में जना जनी, शौचालय बना दे मारा बोड़ा धनी। साहब सड़क के किनारे सब उसको जाना पड़ता है, तब अपने पति को अपनी व्यथा बताती है और क्या कहती है, कि मोठ रहा वहारारी लाइटा पड़े, उठक बैठक करनी पड़े, कि अब तो समझ मारा जीव का जड़ी, तू सोचा ले बना दे मारा बोड़ा धनी। और अपने पति को कहती है कि सांप को ये रख धोखो बड़ो, अपरा ध्यान मोको बड़ो, टाइम बे टाइम पर जानो पड़े, अंदर ती कम खानो पड़े, सरकार रुपया देवे 12,000, तू सोचा ले बना दे मारा बोड़ा बना। ये थे भाई सिद्धनपाल धमाका, जो पेरोडी किंग कहलाते हैं, पेरोडी के राजकुमार हैं, प्रतिगीत लिखते हैं, संवेदनाएं, वेदनाएं, करुणा, हास्य सर्वरस में इनकी पेरोडियां हुआ करती हैं। ऐसे प्रतिगीत जो दिल को लुभाते हैं, ऐसे प्रतिगीत जो संदेश देते हैं, भाई धनबाद धमाका जो हम कुछ दिन पहले सेलिब्रिटी के माध्यम से धूम मचा चुके हैं, हमारा कांटिल का नाम रोशन करते हैं, बड़े बड़े मंचों पर छा जाते हैं, भाई धनबाद धमाका ने बहुत बड़ी बात कही, बड़ा संदेश भी, शौचालय का संदेश दिया, घर घर में शौचालय बने, होली के पवन अवसर पर इतना प्यारा संदेश, और एक बात इन्होंने कही थी, एक शराबी पति शराब पीने की प्रथा चल रही है उसमें, तो मुझे एक बहुत व्यक्ति की बहुत टिप्पणी उत्पन्न होती। तब पिछले दिनों एक अंग्रेज चित्तौड़ भ्रमण के लिए आया, और चित्तौड़ भ्रमण के बाद उसका मन हुआ कि मैं गाँव की तरफ जाया जाए, और मैंने गाँव में घूमता हुआ आ गया। बड़े बड़े शहरों में सोफा सेट होते हैं, साफ हमारे छोटे से गाँव में ओटलियाँ होती है सर, ओटली में मैंने बिठाया उसका स्वागत किया, मैंने कहा सर प्लीज सिट डाउन हियर, बहुत लंबी चौड़ी उठली देखकर उसका दिमाग चकराया, बोले वाओ नाइस सोफा, अरे मैंने कहा पापा दिस इज नॉट सोफा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? अब उठली को मुझे नहीं पता कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंने कहा सर दिस इज उठली, उसने कहा वाओ नाइस उठली, तब वो बैठ गया, इतनी लंबी चौड़ी उठली देखकर नाइस उठली, तब तक हुआ क्या जिसकी उठली थी, हमारे गाँव में जो होली के अवसर पर 10-20 रुपए की पोटली पीकर टुन रहते हैं, लोग उनको पोटली बोलने लग जाते हैं, सफेद तो लाल रंग की पोटली मिलती है 10-20 रुपए की, अब वो बाहर से जो उसने देखा उसकी उठली पर कोई बंदा बैठा हुआ, तो दूसरे ए बंदे की उठली, अंग्रेज को ध्यान जरूरत, बोले हु इज दिस, वो कौन है, मैंने कहा सर दिस इज पोटली, बोले व्हाट रिलेशन बिटवीन उठली एंड पोटली, मैंने कहा सर वेरी टाइट रिलेशन, बोले व्हाट टाइट, मैंने कहा सर वेरी वेरी टाइट, बोले व्हाट वेरी टाइट, मैंने कहा व्हेन पोटली कम एट द नाइट, पोटली रात को लेट आती है, डोर डजंट ओपन, दरवाजा नहीं खुलता है, देन पोटली इज स्लीपिंग ऑन द ओटली।
पोटली पर बैठकर ओटली पर बैठकर पोटली पीते रहे, गिरेंगे किसी नाली में पूरा छिल जाएगा, इसी ओटली पर बैठकर धर्म की पोटली खोली तो वैकुंठ की ओटली। आइए मैं ऐसे कलमकार को आपके बीच में आवाज देना चाहता हूँ, मैं पुकारना चाहता हूँ कानपुर के एक बहुत लाजवाब व्यंग के कलम को जो अक्सर पत्रिकाओं में लेखों में छपती है, वो कलम जो व्यंग लिखती है, प्रहार करती है राजनीति पर, संवेदनाओं पर और विषमताओं पर, कुरुतियों पर, ऐसी कलम, ऐसी लाजवाब कलम जो मयूर स्कूल के कुंवर प्रताप जी हमारे बीच में है, अंकलेश्वर की पावन मिट्टी से आपके बीच में कांठल की आवाज के इस मंच पर आमंत्रण देना चाहता हूँ एक बहुत बड़े व्यंगकार को जिनका नाम कुंवर प्रताप है। चार खूबसूरत पंक्तियां उनके सम्मान में उधार लेता हूँ कि हर शाख गुलिस्ता पे शबाब आ रहा है, हर शाख एक गुलिस्ता पे शबाब आ रहा है, कलियों का मौसम बेसाब आ रहा है, चमेली संभाल के रख अपने आंचल को, बहारों का राजा गुलाब आ रहा है। जोरदार तालियों के साथ कुंवर प्रताप को बधाई। आइए मां शारदे को प्रणाम करता हूँ और माँ शारदे के प्रांगण में इस चैनल पर विराजित सभी कवियों को नमस्कार को चरण वंदन करता हूँ और कांठल की आवाज के तमाम श्रोताओं को साधुवाद शुभकामनाएं देते हुए होली की मस्ती, होली की उमंग, होली के आनंद पे आप सब ने जो आज कांठल की आवाज के बैनर तले जो शानदार कवि सम्मेलन रखा है, इसके प्रधान संपादक मनोज राठौड़ साहब को मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने कवि सम्मेलन रख के माँ हिंदी का बहुमान किया है, सम्मान किया है, जो चैनल पर बढ़ा है, बहुत सम्मान की गर्व की बात है हमारे लिए कि आपने इन कवियों को बुला के ये इतना सम्मान किया है, बहुत बहुत साधुवाद। देखो होली और मस्ती का त्योहार है और मीठी बोली का त्योहार है, ये हमारे तो हम तो गांव के लोग हैं, सीधा मैं गाँव से आता हूँ, गाँव की अपनी बात, गाँव के लोग भोले भाले होते हैं साहब। मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरे लड़की देखने गया, लड़की मेरे को पसंद आ गई लेकिन मेरे घर वाले को पसंद नहीं आई साहब, मैंने कहा कि शादी तो इसी से करूंगा। मैंने लड़की को कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तेरे को किसी की नहीं होने दूंगा। लड़की ने मुस्कुरा के कहा कि अगर तेरी हो गई तो सबकी होने देगा क्या। उसी लड़की से साहब मेरी शादी हुई, कभी मेरे घर पे आए साहब, मैंने कभी क्लियर सब चाय पानी व्यवस्था की, उससे चाय मंगाई, वो चाय लेके आई और चाय के कप हाथ में लेके आ गई। अरे मैंने कहा कि जाने मन, अरे इसने की क्या बात है, घरवाले को जाने मन कह सकते हैं। मैंने कहा कि जाने मन ऐसे चाय के कप हाथ में लेके नहीं आते। वो शर्माई मुस्कुराई और चली गई। अगले दिन चाय ट्रे में डाल के लाई, ऐसे ही जानो के चम्मच ला के दूं साहब। गाँव की ओर तो बड़ी भोली होती है और उनकी मस्ती होती है, आनंद होता है। मैं उसके लिए लाया था अबीर और गुलाल, मैं उसके लिए लाया था अबीर और गुलाल, लेकिन उसने मुझे नहीं लगाया, इसका मुझे आज तक मलाल। मुझे इस साल है नहीं उमंग, वो आके मुझे लगाएगा रंग, मस्ती का रंग। देखो ये महिला है बोली है और अभी मैं सिर्फ अपनी प्रतिनिधि रचना सुनाता हूँ आपको कि मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया, मेरी पत्नी ने वोट, जब तक ये श्रोता ताली नहीं बजाई तब तक ये तुम क्या बोलता रहूंगा मैं। एक बार छोटा तो फटाक बड़ा चैनल बड़ा कि मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, उसका किस्सा मैंने विजय विद्रोही को सुनाया। अरे विजय विद्रोही ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बड़े प्यार से समझाया कि आइए आपकी समस्या को हम कांठल की आवाज के चैनल पर बताते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से पति कितने पीड़ित है सबको बताते हैं। आइए आइए मैं अपनी औकात पर आता हूँ, मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया, उसका किस्सा मैं सबको सुनाता हूँ, लीजिए दर्शकों आनंद लीजिए। देखो पत्नी ऐसी प्राणी है जो पत्नी करे जो ये, देखो मेरे तो मेरे सब शादी हुई तो मेरे तो पहले डी हो गई थी। मैंने कहा कि देख मैं तेरी हर बात मानूंगा, अगर मैं कपड़े धोऊंगा तो सुखाने तेरे को जाना पड़ेगा, अगर मैं बर्तन साफ करूंगा तो सिक्के में तेरे को जमाना पड़ेगा। हमारी घर गृहस्थी आनंद से चल रही थी साहब, इसी बीच क्या हुआ कि मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिया पियर नाम से, मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया, उसमें उसने सबको जोड़ा, चाचा भतीजा नाना काका फूफा मौसा किसी को नहीं छोड़ा, बस मासूम पति को ही नहीं छोड़ा। अब शाम सुबह वो ग्रुप में जाने लगी, शाम सुबह वो ग्रुप में जाने लगी, आटे चटनी लून की खबरें भी ग्रुप में जाने लगी। आती हुई तो ये आज मुझे खड़ने लगी, तू तू मैं फिर मुझसे झगड़ने लगी। एक दिन ऐसे ही हमारे बीच में हुआ झगड़ा, वो भी भयंकर तगड़ा। मैंने मौके की नजाकत को समझा, था तो उसी का चमचा, मैं वहां से चला गया, मेरे जाते ही कमाल हो गया। झगड़े वाला मैसेज
एसएस ग्रुप में चला गया। सबने ग्रुप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। सबसे पहले मेरी सास ने लिखा कि करम फूटे मेरे नासपिटा मिला जमाई। और अब मेरे साले भी काम पीछे रहते साहब खूब बाहें चढ़े खरी खोटी मुझे सुनाई कि अब की बार इस जीजा को सबक सिखाएंगे कुछ गुंडे बेच के पिटवाएंगे। अरे साहब साली ने तो रिश्ते की मर्यादा ही छोड़ दी और ग्रुप में मेरी चरित्र की ऐसी तैसी कर दी। साहब उसकी सहेलियों ने लिखा था कि जीजू पे मुझे मंडप पे ही सकता बैठे थे तेरे पास पर ताड़ में रहे थे ऐसा लगा था कि अपना चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे थे। अरे साहब भतीजे ने तो रिश्तों की मर्यादा ही तोड़ दी और ग्रुप में मेरी हड्डी पसली आई तो फूफा नाम का प्राणी ही बदमाश है लेकिन उसको नहीं एहसास है कि हमारे भतीजे खास है। अब की बार आने दो घर में घेर के पिटवाएंगे और ससुराल क्या ये बताएंगे। अंत में साहब ससुराल क्या है अंत में भाभी का मैसेज था मैसेज के साथ राष्ट्र के नाम संदेश था कि अरे जीजी इस छोटी छोटी बातों को ग्रुप में न डालो आनंद मोहब्बत प्यार से अपनी गश्ती संभालो आप खुश रहो और कभी वो रुट जाए तो तुम मनाओ प्यार मोहब्बत स्नेह से अपनी गृहस्थी को चलाओ क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही प्यार मोहब्बत परिवार संवरता है और परिवार से तो राष्ट्र सम्मत बनता है। आइए इन्हीं के बीच देखो होली की मस्ती है होली का देखो होली बड़ा प्यारा पवित्र त्योहार है और इसको हम ऐसे ही नहीं जीत सकते हैं। मैं शब्दों से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि शादी के लिए दुल्हन को सजा दी गई शादी के लिए दुल्हन को सजा दी गई और दूल्हे को उम्र भर की सजा दी गई। हमारे नेता यहाँ खाते इसलिए उनके विदुषियों को खाते अंतिम पंक्ति है साहब कि एक बार उसने मेरे साथ खेली थी होली वो उम्र भर मेरी ही होली। हे प्रकृति के पुण्य दधीचियों मैं समा मांगने आया हूँ हे प्रकृति के पुण्य दधीचियों मैं समा मांगने आया हूँ संभाल सकाना संसार तुम्हारा अब समा मांगने आया हूँ तुमने दिया वन फन सबका विनाश कर आया हूँ जहाँ चाहती थी चिड़िया वो आंगन बेच आया हूँ। हे प्रकृति के पुण्य ददीचियो मैं अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ संभाल सकाना संसार तुम्हारा अब समा मांगने आया हूँ। एक बार पुनः काटल की आवाज के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार धन्यवाद आभार। ये थे हमारे बीच कुंवर प्रताप की बात कर रहे हैं और एक बड़ा संदेश इस देश के नाम सोशल मीडिया से पीड़ित आज समाज जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में हमारे घर परिवार के रिश्ते किस तरह बिखर रहे हैं उनके लिए बड़ा संदेश देके गए कुंवर प्रताप जी। और सच है ये सोशल मीडिया जिन्होंने हमारे संस्कार बिगाड़ दिए हैं ये सोशल मीडिया सारी दवाई का कारण है ठीक है इनसे दूर होकर अपने रिश्तों को समझे। कुंवर प्रताप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां की आवाज पर एक बड़ा संदेश आपने दिया है। आइए इस बीच हम उस थोड़े और डेवलप आगे बढ़ाएं और हमारे काटल के दो साहित्य विमर्श हमारे बीच विराजमान हैं एक स्वयं साहित्य के ब्रह्म श्री हरीश जी व्यास साहब यहाँ विराजमान हैं और एक सुरेंद्र जी सुमन साहब दो बड़े व्यक्ति हैं मनोज से मैं आगे बढ़ूंगा। तो काटल की आवाज के इस कार्यक्रम के आगाज के साथ ही मैं सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को नई ऊर्जा दी जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं इस अवसर पर राजस्थान पाटीदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष शिवलालजी पाटीदार का हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू संचालन करने में अपना सहयोग दिया। और इस अवसर पर मैं उमेश कंस्ट्रक्शन के प्रोवाइडर माननीय उमेश जी बम का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी और हमें सहयोग किया। तो दोनों ही महानुभावों का मैं काटल की आवाज के मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ और राजस्थान पाटीदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष शिवलालजी पाटीदार और समाज सेवी उमेश बम जो कि उमेश कंस्ट्रक्शन श्री खाटू श्याम कंस्ट्रक्शन के मालिक है जिन पर बाबा श्याम की कृपा है ऐसे दोनों ही श्याम भक्तों का मैं काटल की आवाज परिवार की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और प्रतापगढ़ की जनता से निवेदन करता हूं कि जो धरातल पर है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और हम जैसों को आगे और अधिक ऊंचाइयां देने का प्रयास करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ काटल की आवाज प्रतापगढ़। तो होली का रंग है और कविताओं का संग है तो मामला राजनीतिक भी हो सकता है।
चुनाव भी आने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले मेरे साथ जो वर्तमान राजनीति है और जो वर्तमान लोग हैं उनके बारे में क्या कहूँ। वो इस प्रतापगढ़ को चला रहे हैं, वो हमें चला रहे हैं, वो आपको चला रहे हैं, वो सबको चला रहे हैं। अब चला कैसे रहे हैं वो तो आप ही जान रहे हो, कुल मिला के चला रहे हैं। तो चलने चलाने के इसी खेल में 4 साल निकल गए और ये 5वां साल भी आ गया। आगे बताना चाहिए कि कहाँ तक दूरियां है और क्या मजबूरियां है, और कहाँ तक अपने हैं और कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। कि मैं तो क्या, ये तो हालांकि कोई समझ नहीं पा रहा है, पर ये चुनावी बिसात है और राजनीति के मोहरे इधर से उधर होते रहते हैं और दुनिया चलती रहती है। दिल्ली से लेकर प्रतापगढ़ एक ही राजनीति है और एक ही काम है, फिलहाल जनता को हंसाना और जनता को गुदगुदाना और होली की फुहारें बिखेरना, इसीलिए इस कवि सम्मेलन का आयोजन है। तो चलो राजनीति से हटकर हम उसी तरफ चलते हैं। तो चुनावी बरसात भी शुरू होने वाली है, ऐसे में नेताओं का पैर फिसलना भी लाजमी है और अपने दल से निकलकर दूसरे दलों में घुसने का भी सिलसिला हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी का पराया नहीं, ऊपर से नीचे तक भांग मिली हुई है और इस भांग का नशा सब में चढ़ा हुआ है। जितनी मेरी उम्र है उतना तो मैंने भी देखा है, तरह तरह के रंग है और तरह तरह का रंग है। कभी कौन किसका है, कभी कौन अपना है, कभी कौन पराया है। और ये बात कहना चाहूंगा कि लगातार इन बदलते हुए रंग में मुझे एक ही रंग दिखता है कि पता नहीं वो कौन सा नशा करता है, पता नहीं वो कौन सा नशा करता है। यार मेरा हर एक से वफा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। तो सारे मिलकर बजाओ ताली, आखिर आ ही गई होली। यार मेरा तितलिया वर गया, यार मेरा तितलिया वर गया, ये तो आपने भी सुना है। तो यार मेरा तितलिया वर गया, कभी इधर तो कभी उधर, पता नहीं अभी किधर, और ऊपर क्या और अंदर क्या, और नीचे के टेबल के नीचे के दोनों के हाथों में हाथ है, क्या बात है। और अपना वाला तो गली गली में वोटों की बात करता है, और अपना वाला तो गली गली में वोटों की बात करता है, और पब्लिक के सामने मीठी मीठी बात करता है, और पब्लिक के सामने मीठी मीठी बात करता है। वोट सारे ही एक साथ लपक जाता है, वोट सारे ही एक साथ वो लपक जाता है, और फिर देखता ही देखता रह जाता है, फिर आम आदमी देखता ही देखता रह जाता है। और भाई साहब पत्नी पीड़ितों की भी एक बहुत बड़ी जमात है, और इस जमात के क्या कहने, सोशल मीडिया से लेके घर की मीडिया तक एक ही दर्द है, मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ। तो इन्हीं पत्नी पीड़ितों के दर्द पे, इन्हीं पत्नी पीड़ितों के दर्द पे आज मैं 4 लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ। सुख चैन की छांव से आगे निकल गए, सुख चैन की छांव से आगे निकल गए, हम ख्वाबों के गांव से आगे निकल गए, हम ख्वाबों के गांव से आगे निकल गए। जी हाँ दोस्तों, आज का कार्यक्रम कुछ इसी तरह का कार्यक्रम है। आज का दिन उनके नाम है जो किस्मत से मिलते हैं, आज का दिन उनके नाम है जो किस्मत से मिलते हैं, कीमत से नहीं मिलते। और ऐसे ही हमारी किस्मत है जो आज हमारे यहाँ ये सम्मानित अतिथि बता रहे हैं। कवियों ने हमारे काठल की आवाज के इस मंच की शोभा बढ़ाई है, तो इन किस्मत से मिले कवियों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इनका आभार प्रकट करता हूँ। मनोज जी, 4 पंक्तियां आपके लिए, आपने कहा पत्नी पीड़ितों के लिए, तो आप निवेदन करना चाहता हूँ कि पत्नी पीड़ित से ही शाम, पत्नी पीड़ित से ही भोर है, पत्नी पीड़ित से ही शाम, पत्नी पीड़ित से ही भोर है, पत्नी पीड़ित इस छोर, पत्नी पीड़ित उस ओर है, और पत्नी पीड़ितों के सिरमौर श्री मनोज जी राठौर है। पत्नी और पत्रकारिता में सामंजस्य बिठा ले वो नाम मनोज राठौड़ है, और कांटल की नब्ज को खटखटाए वो नाम मनोज राठौड़ है। एक बार जोरदार तालियां कांटल की आवाज मनोज राठौड़। तो विजय जी विद्रोही की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इन पत्नी पीड़ितों के लिए 2 लाइन और कहना चाहूंगा, पत्नी पीड़ितों के लिए 2 लाइन और कहना चाहूंगा। हो बेर बीवी से, हो बेर बीवी से या प्यार बीवी से, हो बेर बीवी से या प्यार बीवी से, घर अच्छा लगता है दमदार बीवी से, घर अच्छा लगता है दमदार बीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच कांठर की आवाज के संपादक पत्नी पीड़ित श्री मनोज जी राठौर। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बजे, मनोज जी राठौर के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजे। मनोज जी राठौर ने बहुत बड़ी बात बताई, पत्नी पीड़ित, और वास्तव में जमाना पत्नी पीड़ित ही है। आज का जो दौर है, कई कौन प्रताप जी है, मनोज राठौर जी है, आदरणीय सुरेंद्र सुमन साहब है, हरीश व्यास साहब के लिए मैं नहीं जानता।
कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन खैर कहने नहीं कहने से भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आपकी पत्नी पीड़ित कुछ दिन पहले की घटना है, हाट पूजा नगर परिषद का कवि सम्मेलन, वहां कुछ चेक दिया गया और मंचों में ही चेक मिले साहब नगर परिषद के, बड़ा चेक था, नाम पढ़ा लिखा विजय विद्रोही लेकर आ गया हमें। चेक लेने के बाद दूसरे दिन मैं स्टेट बैंक में गया, मैंने कहा सर चेक क्लियर कीजिए, मैनेजर साहब ने मुझे देखा और कहा कि सर ये चेक क्लियर नहीं हो सकता, मैंने कहा सर क्यों, बोले ये विजय विद्रोही के नाम से है और आपका खाता विजय सिंह राठौर के नाम से है, मैंने कहा सर बोले भाई, बोले आप सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए कि आप ही विजय विद्रोही और आप ही विजय सिंह राठौर है, मैंने कहा सर क्या प्रमाण, मैंने कलेक्टर साहब द्वारा प्रमाणित, हरीश जी व्यास साहब द्वारा सम्मानित एक बड़ा प्रमाण पत्र बताया, लेकिन वो कहे नहीं ये मान्य नहीं है, कोई ठोस प्रमाण लाइए, मैंने कहा क्या हो सकता है, मैनेजर साहब ने कहा कोई आपका अपना कह दे क्या विजय विद्रोही तो मान लूंगा, मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को फोन लगा लेता हूँ, मैनेजर साहब के सामने मैंने अपनी पत्नी को फोन लगाया, बैंक में खड़े होकर स्पीकर ऑन किया, मैं जिस वक्त मैंने पत्नी को फोन लगाया, ऐसी दुविधा में पत्नी एक तरफ कुकर सीटी मार रहा है, दूसरी तरफ नल धुल रहे हैं और तीसरी तरफ बच्चा रो रहा है, ऐसी हालत में जब मेरा फोन गया तो उन्होंने तुरंत लाल बटन दबा दिया, मैनेजर साहब मेरी तरफ देखे, मैंने कहा सर धैर्य रखिए ठोस प्रमाण है, दूसरी बार तुरंत लगाया उसने तुरंत काट दिया, मैनेजर साहब ने कहा थी, मैंने कहा सर ठोस प्रमाण के लिए समय लगेगा, अंतिम जांच दीजिए, और जैसे ही मैंने तीसरी बार लगाया मेरी पत्नी ने उठाया, मैंने कहा प्रिय मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा बोलिए, मैंने कहा पता मैं कौन हूँ, उसने कहा आप एक नंबर के गधे हो, फोन काट दिया। मैनेजर साहब मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ, मैंने कहा सर कोई और उपाय है, बोले आप गधे के नाम से खाता खुलाओ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आइए असंभव को आपने तहलका मचाया और अपने हास्य कविताओं से पूरे दुनिया में हंसाने वाले एक बड़े व्यक्तित्व, उनके साथ आपकी कविताएं गौ भक्ति की कविताएं संतों के बीच पढ़ी गई, तब देश के बड़े बड़े संतों ने उनको सराहा, ऐसी कविताएं जो मन है पीड़ा है, ऐसे व्यंग जो संवेदना को उठाते हैं, एक ऐसे कलमकार जो हास्य और ओज एक साथ लिखते हैं, और हम सौभाग्यशाली है कि हम उनके साथ बैठकर कविता पढ़ते हैं। सुरेंद्र सुमन साहब मंच का बड़ा नाम है, केवल चार खूबसूरत पंक्तियां और विजय साहब की उधार लेते हुए निमंत्रण देता हूँ कि पूरी धरा के साथ दे दो, और बात है साहित्य मार्ग में सुरेंद्र सुमन साहब की भूमिका में हूँ, केवल चार पंक्तियां की और विजय साहब लिखते हैं कि पूरी धरा के साथ दे दो, और बात है जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव पे चल लेते हैं लोग, दूजा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार ताली के साथ वरम सम्मानी परमादरणीय गोभक्त सुरेंद्र सुमन साहब का है। मां वृंदा पानी को नमन करता हुआ भाई मनोज जी राठौर कांठल की आवाज, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभारी व्यक्त करता हूँ कि आज आपने पहल की है, आपका ये चैनल बहुत ऊंचाइयों को छुए और हृदय की धड़कन लोग बेसब्री से इंतजार करें आपके चैनल का। भाई विजय सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही, भाई विजय जी ने कहा अंत में कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो चल जाते हैं लोग, मैं ये कहता हूँ इस टॉपिक को उतार के भीख पहनने के बाद लोग कहते हैं कि कंघा भी साथ दे तो और आए, मैं निवेदन करता हूं दिल में चाहे कितने गम, दिल में चाहे कितने गम हो रंगों के सम्मुख सब फीके हैं, दिल में चाहे कितने गम हो रंगों के सम्मुख सब फीके हैं, गंगा जमनी तहजीब हमारी हम भारत माँ के बेटे हैं। माँ भारती को नमन करता हुआ, अनाम शहीदों को नमन करता हुआ, सीमा के उन प्रहरियों को नमन करता हूं और हमारे यहाँ पर जो पुलिस के नौजवान हैं जिनसे हम होली और दिवाली सब त्योहार मनाते हैं उनको नमन करता हूं और नमन करता हूं निवेदन करता हूं आदरणीय हरीश जी व्यास साहब बैठे हैं जिनसे हमने चलना सीखा है, मैं निवेदन करता हूं, आग तो आग है, आग तो आग है, आग ही रहने दो, आग तो आग है, आग ही रहने दो, प्यार तो प्यार है, प्यार ही रहने दो, नफरत के बीज इस चमन में घोलने वालों, नफरत के बीज इस चमन में घोलने वालों, ये हिंद की जमी है हिंदुस्तान रहने दो,
हिंदुस्तान रहने दो, ये जमी हिंदुस्तान की है, जमी हिंदुस्तान की, गंगा जमी तहजीब है, समय की अपनी मर्यादा है। मैं सीधे ही निवेदन करता हूँ, चार बाल है सर पे, चार बाल रहने दो, चार बाल रहने दो, चार बाल है सर पे, ये चार बाल रहने दो, बेफिजूल सारे तेल है वो तेल रहने दो, चिकने घरे सी टाट है सब ठाट रहने दो, सौर ऊर्जा से इसको चार्ज होने दो, सौर ऊर्जा से इसको चार्ज होने दो। आपकी बात, चार बाल है यदि तो बाल चार रहने दो, और गंजी है यदि सिर पे तो पगड़ी की ढाल रहने दो। आए, ये पगड़ी जो बुजुर्गों का सम्मान है, मान है, इसमें बहुत कुछ है। मैं गुरुदेव से निवेदन करता हुआ एक नया गीत है, सबको शुभकामना देता हूँ, निवेदन करता हूँ। रंगों का ये त्योहार, रंगों का ये त्योहार, रंग में मिल जाए, रंगों का ये त्योहार, रंग में मिल जाए, हर चेहरा रंग से लाल प्यार में घुल जाए, हर चेहरा रंग से लाल प्यार में घुल जाए, रंगों का ये त्योहार रंग में मिल जाए। मेरे रंग तुम्हारा चेहरा, मेरे रंग तुम्हारा चेहरा, फूल मृदंग संग हंसता चेहरा, फूल मृदंग संग हंसता चेहरा, चहूं और अबीर गुलाल रंग में मिल जाए, चहूं और अबीर गुलाल रंग में मिल जाए, रंगों का एक त्योहार रंग में मिल जाए, हर चेहरा रंग से लाल प्यार में मिल जाए, पीले पीले फूल खिले हैं, पीले पीले फूल खिले हैं, स्वर्णिम गेहूं धान खिले, पीले पीले फूल खिले हैं, स्वर्णिम गेहूं धान खड़े हैं, महंगाई महंगाई की ना मार, महंगाई की हो ना मार, प्यार में घुल जाए, प्यार में घुल जाए। एक बंद निवेदन कर रहा हूँ, प्यार में घुल जाए, जो भी पेपर लीक करे, जो भी पेपर लीक करेगा होली का सा वो ही जलेगा, पेपर लीक करेगा होली का सा वो ही जलेगा, प्रहलाद करे है पुकार नौकरी मिल जाए, प्रहलाद करे है पुकार नौकरी मिल जाए, रंगों का ये त्योहार रंग में मिल जाए, प्रहलाद करे है पुकार नौकरी मिल जाए। जो भी पेपर लीक करेगा, जो भी पेपर लीक करेगा होली का सा वो ही जलेगा, होली पेपर लीक करेगा होली का सा वो ही जलेगा, प्रहलाद करे है पुकार नौकरी मिल जाए, प्रहलाद करे है पुकार नौकरी मिल जाए, रंगों का ये त्योहार रंग में मिल जाए, रंगों का ये त्योहार रंग में मिल जाए, साजन सजनी संग में खेले, साजन सजनी संग में खेले, तन के संग में मन को छूले, तन के संग में मन को छूले, फागुन मतवाला आज रंग में मिल जाए, फागुन मतवाला आज रंग में मिल जाए, रंगों का ये त्योहार रंग में मिल जाए, हर चेहरा रंग से लाल प्यार में घुल जाए। निवेदन है,
कड़वाहट मन की मिट जाए, कड़वाहट मन की मिट जाए, गली गली का ना मिल जाए, कड़वाहट गिल की मिट जाए, गली गली का ना मिल जाए, दिल से दिल का प्यार रंग में मिल जाए, ओ दिल से दिल का प्यार रंग में घुल जाए, रंगों का ये त्योहार प्यार में घुल जाए। और निवेदन करता हूँ मनोज जी, प्यार में भूल जाए। तो धनपाल जी कह रहे हैं अरे भूल काटने लेट गए हैं, नाराज हो गई है, तब कह रहे हैं कि किसी की सजनी रूठ गई है, के किसी की सजनी रूठ गई है, नक से सिका तक भीग गई है, किसी की सजनी रूठ गई है, नक से सिका तक भीग गई है, पड़ोसन से करता प्यार रंग में घुल जाए, पड़ोसन से करता प्यार रंग में घुल जाए, रंगों का ये त्योहार रंग में घुल जाए, रंगों का ये त्योहार रंग में घुल जाए, पी के भंग पिया मोरा झूमे, जानू सबसे बोले के थंग पिया मोरा झूमे, लव यू जानू सबसे बोले, खेलूंगी मैं लठ मार, प्यार में घुल जाए, खेलूंगी मैं लठ मार, प्यार में घुल जाए, रंगों का ये त्योहार रंग में मिल जाए, रंगों ये त्योहार प्यार में भूल। अरे जब मैं पीछे आए तो भाई विजय सिंह जी ने एक चीज दी, मैं निवेदन करता हूँ विजय सिंह जी तक, मेरी साली मुझसे बोली, मेरी साली मुझसे बोली, रंग गुलाल से है एलर्जी, मेरी साली मुझसे बोली, रंग गुलाल से है एलर्जी, रखो मेरी त्वचा का ध्यान कीचड़ में पटक दिया, मेरी त्वचा का ध्यान कीचड़ में पटक दिया, मैं बुरा न मानू आज आज तो होली है, मैं बुरा न मानू आज आज तो होली है। और बहुत सुंदर श्री सुरेंद्र सुमन साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। जो व्यंग लिखते हैं, हास्य लिखते हैं, और एक बहुत प्रतिभा करती है, एक शिक्षक जिनके अंदर संवेदना है, जिनके अंदर वेदना है, करुणा है, जिनके अंदर जब मानवता की बात हो, कई कैंसर पीड़ितों के लिए आपका योगदान, इस कार्यक्रम के लिए गो भक्ति के लिए आपका एक सराहनीय उदाहरण, इस कार्यक्रम के लिए बहुत वंदनीय है। एक बार जोरदार तालियां बजाता हूं सुमन साहब के लिए बजे। और जब सुरेंद्र जी सुमन कविता पढ़ रहे थे, जो धनपाल धमाका जी बहुत देर से नहीं आए, वो दौड़ के चले आए, तब मैं क्यों लगा ऐसा कि क्यों आए हमारे तरफ नहीं आए, क्यों आए, केवल साहब को दिया कि विषम कटिले मार्गों को मोड़ आता है, वो विषम कटिले मार्गों को मोड़ आता है, गायों भैंसों को खुला छोड़ आता है, और एक गंजे की पुकार जब उठती है इस पिता में, तो एक गंजा धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमारी कीमत को कम नहीं आते हैं, वो हमारी कीमत को कम नहीं आते हैं, और जगह जगह हमारी उत्साहवर्धन करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। और ऐसे ही तमाम दर्शकों के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने वास्तव में वो दौर देखा है, हमने वो दौर देखा है, हमने वो लॉकडाउन देखा है, हमने तमाम उन परिस्थितियों को देखा है जिनमें अखबारों को चलाना इन लोकल न्यूज संचालकों के लिए तो बड़ी बात है, बाकी बड़े बड़े चैनल उस समय थक गए थे, उस समय हार गए थे, और हमने ऐसे समय में अपने अखबारों को खड़ा रखा है। तो मैं तमाम मेरी बिरादरी के, मेरी जमात के, हमारे न्यूज मीडियम
मीडियम जो अखबार के संचालक है उन तमाम लोगों को इस अवसर पर उनके इस उत्साहवर्धन करना चाहूंगा कि हमने ऐसी परिस्थितियों में भी इन अखबारों को जिंदा रखा है और जो आज समाज को दिशा देते हैं, समाज को दशा देते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, महंगाई का ये वो दौर है, जिसमें एक पेम्पलेट छापना भी मुश्किल है। आप खुद जानते होंगे, मेरे तमाम दर्शक जानते हैं कि कांठल की आवाज समाचार पत्र ने किस तरह से ऊंचाइयों को छुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये महंगाई का वो दौर है जिसमें एक पेम्पलेट छापना भी मुश्किल है और हम उस दौर में आज अखबार छाप के भेजते हैं, तो ये हमारे लिए वास्तव में हमारे जैसे मीडिया के संचालकों के लिए गौरव का विषय है और आप जैसे दर्शकों का प्यार है कि आज हम यहाँ खड़े और हमने अपने मंच को डिजिटल दुनिया तक लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में कोरोना के विषम परिस्थितियों में आपने अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ी और बड़े साहस के साथ, निर्भय के साथ कोरोना के विषम परिस्थितियों में लोगों के बीच खड़े रहे और पीड़ितों के बीच खड़े रहे। तब एक रास्ते पर चौराहे पर गांधी चौराहे पर जब निकल रहे थे कोरोना के विषम, कोरोना सामने से आ गया और कोरोना ने कहा कि सच्चा पत्रकार है इसलिए मुझे छोड़ रहा हूँ। कौन है तू? बोले मनोज राठौर। बोले तू कौन? मैं कोरोना। कोरोना ने कहा कि तू सच्चा पत्रकार है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, लौट जा अपने घरों को, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ। तब कहीं मनोज राठौर जी का जवाब बताए, हम कांठल की सरजमी के ईमानदार सच्चे निर्भीक लोग हैं, अच्छे अच्छे का घमंड तोड़ देते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए ये कांठल की सरजमी है, सौहार्द और समरसता के लिए हम सारे मार्ग छोड़ देते हैं। आपके बीच में, अपनों के बीच में आइए काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाए और हम वहां तक पहुंचे। काव्य महर्षि आदरणीय हरि जी व्यास साहब, सौंदर्य माधुर्य का नाम गीत है, प्रेम प्रीत का नाम गीत है, कवि सम्मेलन के प्राण का नाम गीत है और जीवन को जीने का नाम गीत है और गीतों का एक बड़ा नाम श्री हरि जी व्यास साहब है जिनका हमें गर्व होता है। कांठल की इस धरा पर साहित्य के वटवृक्ष या यूं कहूं कि साहित्य के ब्रह्मा है हरि जी व्यास साहब। कहीं कोरोना की घोर विषम परिस्थितियों में हमने देखा कि आपकी बुलंद आवाज, आपके मधुर गीत, शुभत और देवत्व की शक्ति को जगाने वाले आपकी मधुर गीत न केवल हिंदुस्तान की सरजमी बल्कि सरहद पार करके विदेशों में भी खूब सुने गए डिजिटल मीडिया के माध्यम से, उस दिनों फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार हर रोज आप लाइव रहते थे। अलग अलग संस्थाओं ने आपको निमंत्रण दिया और लगभग जितने हम सबके घरों में हमारे घरों में पेपर होंगे अखबार, उनसे ज्यादा आपके घर में प्रसिद्धि पत्र हुआ करते हैं। ऐसे बड़े व्यक्ति हरि जी व्यास साहब हमारे बीच में, केवल चार खूबसूरत पंक्तियों के उनके सम्मान में मैं काव्य के ब्रह्मा को आमंत्रण देना चाहता हूँ कि केवल चार खूबसूरत पंक्तियों के साथ कि जो भी जानते हैं जितना भी जानते हैं एक समुद्र को केवल झील जितना है। और आदरणीय हरि जी व्यास साहब गीतों के सम्राट जो सबका दिल जीतना जानते हैं, आइए कांठल की आवाज परिवार की ओर से यह अद्भुत आयोजन हम सबको उद्वेलित कर रहा है होली के रंगों में आप सबको नहलाने के लिए। जो दर्शक इससे जुड़े हैं मैं उनको भी होली की बहुत बहुत बधाई और मनोज भाई को इसलिए बहुत बधाई है कि उन्होंने छोटे से अखबार को जमीन से आसमान तक पहुंचाया, डिजिटल तक नया स्वरूप प्रदान किया है। इसी यात्रा में हम उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें, बधाइयां दें और कविता की यात्रा में साथ चले, कुछ व्यंग कुछ गीत आपकी चरणों में। उसने उसके साथ कुछ इस प्रकार खेली होली कि वो उसी की होली। और तब राजनीति के जो पूर्वज होते हैं घरों में वो अपने बेटे को राजनीति कैसे सिखाते तो बेग बात एक नेता ने अपने पुत्र से कहा रंग गुलाल से होली खेलना छोड़ो वरना दुख पाओगे, रंग गुलाल से होली खेलना छोड़ो वरना दुख पाओगे और एक दूसरे पर कीचड़ उछालोगे तभी मेरी तरह प्रगति कर पाओगे। और आइए व्यंग की इस धारा में, चुनाव चल रहे हैं कई जगह हो गए हैं और कई जगह होने की तैयारियां, आइए उसी सिलसिले में राजनीतिज्ञों के साथ बन होली खेलते हैं, आनंद लीजिए और उसका आनंद लेंगे आप मेरे साथ सहयोग देकर के। नेताजी सारा होली हो सारा नहीं हो तो मजा आएगा।
राजनीति की पिचकारी में भांति भांति के रंग, राजनीति की पिचकारी में भांति भांति के रंग, पर रंगने के देखो भैया अपने अपने ढंग, अपने अपने तेवर सबके डाल रहे हैं रंग, अपने अपने तेवर सबके डाल रहे हैं रंग, श्वेत वसन बेदाग है फेस न हो बदरंग, श्वेत वसन बेदाग न हो फेस न हो बदरंग, नेताजी सारा नेताजी सारा अपने झंडे डंडे अपने ही नारे, अपने अपने झंडे डंडे अपने ही नारे, पता नहीं किन हथकंडों से अपनी नाव तारे, सारा लाला नेताजी सारा लाला, पता नहीं किन हथकंडों से अपनी नाव तारे, नेताजी सारा लाला नेताजी आगे कहाँ गए सब सेवा भावी कहाँ गए भरता, कहाँ गए सब सेवा भावी कहाँ गए भरता, बिजी है नेता ढूंढ के रंग दो इनको याद, नेताजी सारा लाला नेताजी सारा लाला, होली की हुड़दंग में चुनाव बाजार गरम, होली की हुड़दंग में चुनाव बाजार गरम, कल घुट्टे से थे कड़क आज है कितने नरम, कल घुट्टे से थे कड़क आज है कितने नरम, नेताजी सारा रारा नेताजी सारा रारा नेताजी सारा रारा नेताजी सारा रारा, तन मन होली मैं हुआ चढ़ा चुनावी रंग, तन मन होली मैं हुआ चढ़ा चुनावी रंग, वोटर तुम मत चूकना नजर अर्जुनी ढंग, सारा रारा नेताजी सारा रारा नेताजी सारा रारा नेताजी सारा रारा। देखिए होली की कोई उम्र नहीं होती, क्या बात है, हर उम्र में होली का अपना मजा है, पर मैं कह नहीं सकता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ये उम्र हो गई, होली कभी एहसास नहीं कराती, आनंद नहीं देती, मैंने देखिए ये पंक्तियां कही, गुनगुनी धूप सी तुम थी, आज भी गुनगुनापन है, गुनगुनी धूप सी तुम थी आज भी गुनगुनापन है, उम्र की धूप के उत्तरार्ध पे बस वो ही उत्तरार्ध पे बस वो ही तपन है, दिल के कोने में बैठी हो सदा हलचल सी बनकर, दिल के कोने में बैठी हो सदा हलचल सी बनकर, तुम उम्र हो चाहे बचपन की होली में वो ही बचपन है, वो चाहे बचपन की होली में वो ही बचपन है, और चार पंक्ति और सुने, जो लोग अपनी छतों पर खड़े होकर होली खेलने वालों को देखते हैं, लेकिन जब उनका रंगने का अवसर आता है तो वो छिप जाते हैं कि वहाँ में बंद हो जाते हैं, तब उनके लिए मैंने निवेदन किया कि नहीं ये होली कितनी जरूरी है खेलने सबके लिए, तब कहा है अच्छा लगता है सत पर टहलना तेरा, अच्छा लगता है सत पर टहलना तेरा, रोज शामों शहर मिल भी जाया करो, अच्छा लगता है सत पर टहलना तेरा, रोज शामों शहर मिल भी जाया करो, छुप के बैठी रहो तन्हा, घुट छुप के बैठी रहो तन्हा, होली अनमोल रंग है नहाया करो, अच्छा लगता है छत पर टहलना तेरा, और एक गीत आपको होली का और सुन लीजिए, उपवन भी खेल रहा पलाशों से होली,
उनकी उपवन भी खेल रहा पलाशों से होली रंगने तन लगने होली अंबर रंगीन है मौसम शौकीन है धरती दुल्हन सी हुई है अंबर रंगीन है धरती शौकीन है धरती दुल्हन सी हुई है चंचल से यौवन का आवरण निरख कर भावनाएं विचलित हुई है चंचल से यौवन का आवरण निरख कर ही भावनाएं विचलित हुई है आज प्रिय हमको भी करने दे लगने दे रोली उपवन भी खेल रहा पलाशों से होली भीगने दे मन लगने दे रोली भीगे भीगे गेसु कपोल पर यूं डोले बदरी से चंद्रमा हो निकला भीगे भीगे गेसु कपोल पर यूं डोले बदली से चंद्रमा हो निकला सतरंगी चूनर बदन पर यूं लिपटे इंद्रधनुष कोई हो निकला सतरंगी चूनर बदन पर यूं लिपटे इंद्रधनुष कोई हो निकला इस रंगी मौसम में प्रीत की हो बोली इस रंगी मौसम में प्रीत की हो बोली भीगने दे प्यारे उनकी बिचोली रंगने दे लाला उनकी बिचोली आज की ये सजनी सूखी ना गुजर जाए कल को पछताना पड़ेगा सूखी ना गुजर जाए कल को पछताना पड़ेगा तुझको सृष्टि के सब रंगों में रंग तुझको सृष्टि के सब रंगों में रंग दू मुसाफिर हूँ जाना सौहार्द समरसता और देशभक्ति के गीत निकलने वाली क्रम जब होली के पर्व पर मधुरता आनंद और मोहब्बत के गीत लिखते हैं तो पूरे माहौल को खुशनुमा कर देते हैं आदरणीय हरीश व्यास साहब और जिनके लिए एक साहित्य की बड़ी पत्रिका लिखती है कि आदरणीय हरीश व्यास साहब का जन्म हुआ नहीं गीत गुनगुनाने के लिए आदरणीय हरीश जी व्यास साहब का जन्म हुआ नहीं केवल गीत गुनगुनाने के लिए माँ भारती ने भेज दिया अपने लाले को राष्ट्र चेतना जन जन तक हमारे कांचन के गौरव हास्य मस्ती की बात हो रही थी पहले दो मिनट पहले मैं बात कर लेता हूँ हास्य मस्ती की जब बात होती है आनंद की जब बात होती है हमारा काठल कितना मस्ती में जीता है होली का पूरा आनंद जो लेता है वो हमारा काठल लेता है अभी आप देख रहे होंगे स्लीपर बसें जो हैं इतनी ठुस ठुस के आ रही है जैसे कोई ओवरलोड ट्रैक्टर आ रहे हो ये मस्ती होली की है साहब आनंद के इस महोत्सव में अभी एक गांव से अमलावत से गुजर रहे थे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को मैंने देखा और मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कि आपका एक बच्चा जो अमेरिका में 6 लाख रुपए महीना कमाता है एक बच्चा जो 150 रुपए की मजदूरी करता है आपको किस पर गर्व होता है और कांठल के बुजुर्ग व्यक्ति क्या जवाब होली का जवाब उनका उन्होंने कहा कि मुझे उस 6 लाख रुपए कमाने वाले पे कोई गर्व नहीं है जो 6 माह में एक बार भी नहीं पूछता कि उसका बाप कैसा है मुझे गर्व इस लाडले पर जो मजदूरी करके आता है मैंने कहा इसका कोई खास वजह तो उन्होंने दो पंक्तियां कही सारी कविता पे भरी थी उन्होंने कहा कि रूखी सूखी खाकर भी
इस नालायक के साथ मैं अपने गमों को सी लेता। कैथल के बुजुर्ग जवाब भूली पर हो सकता है कि रुखी सुखी खाकर भी मैं अपने गमों को सी लेता हूँ। ये नालायक 150 रुपए कमा के लाता है, रोज मेरे पास आकर बैठता है, दो बेग बनाता है, के पीता एक में पी लेता है। संस्कारों के साथ आनंद मस्ती की बात अगर करना चाहता है तो कैथल के व्यक्ति में नियंत्रित करना चाहता हूँ, लेकिन हम अपने जीवन को व्यसनों में नहीं उलझाएं। जीवन बहुत सादगी भरा होना चाहिए जैसा मैं जीता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कैथल की आवाज के सभी दर्शकों को कि अपने जीवन को व्यसनों में मत उलझाइए, जीवन बहुत सादगी से जिए जैसा मैं जीता हूँ, और ऐसा ही निवेदन करता हूँ। न दूध न दही न भोजन में घी लेता हूँ, जैसे भी जियाती है ये जिंदगी मैं जी लेता हूँ। न बादशाहों की तरह शौक नवाबों की तरह चौचले, रोज सुबह उठकर 2-3 क्वार्टर पी लेता हूँ। आइए अब मैं निवेदन करता रहता हूँ, ये पत्रकारिता का मंच है कैथल की आवाज, एक निष्पक्ष पत्रकारिता, जहाँ मैं भाई मनोज राठौड़ जी को नियुक्त करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। पत्रकारिता का स्तर दिनों दिन गिर रहा है, तब एक कविता मैं इस मंच के माध्यम से होली के इस पावन अवसर पर, पत्रकारिता का स्तर कितना गिर गया, पत्रकारिता का स्तर कितना गिर गया, बिना सुशासन के द्रौपदी का चीर गया। दिखाना था प्रशासन के, दिखाना था जनता कष्ट है महंगाई के मार से, दिखा दिया करीना संग तैमूर घूम रहे हैं कांटे। छापना था किसी बेटी के साहस को, छाप दिया किसी दरिंदे के दुस्साहस को, और दिखाना था गंगा की पवित्रता, आपने समुन्दर के झाग दिखा दिए, और लगे ही नहीं जो दामिनी के दामन पर आपने आपने वो दाद दिखाई पत्रकारों ने जमीन से जुड़कर जिंदगी खपाती शोध में, पत्रकारों निष्पक्ष बहुत जमीन स्तर पर काम करते, पत्रकारों ने जमीन से जुड़कर जिंदगी खपाती शोध में, और संपादक महोदय जाकर बैठ के सरकार की गोद में। और अंतिम पंक्तियां पत्रकारों के लिए, भाइयों के लिए जो पत्रकारिता में निष्पक्ष काम करते हैं, कि काश किसी दिन आपने जाकर किसी सरहद को खपा होता, काश किसी दिन आपने जाकर किसी सरहद को खपा होता, तो किसी नेता का जन्मदिन नहीं आपने शहीद के परिवार। बहुत 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 वास्तव में सलाम, ऐसे अनगिनत चीजें जो है इनके मुखारविंद से निकलती है, और एक सबसे बड़ी के वाक चातुर्य तो है, लेकिन जो त्वरित कविता इनके मुख से निकलती है, त्वरित टिप्पणियां जो निकलती है, वास्तव में वो अपने कैथल को गौरव बढ़ाती है। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए, वास्तव में मैं विजय सिंह जी विद्रोही देश के, हमारे कैथल के तो है लेकिन देश के बहुत अच्छे संचालक और बहुत अच्छी कविताओं के बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर प्रताप जी आभार के लिए बता रहे हैं। आइए, बहुत ही शानदार और आनंदित होली का महोत्सव का कवि सम्मेलन था, और कैथल की आवाज के श्रोताओं को तमाम शुक्रगुजार है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार स्नेह इसको दीजिए, क्योंकि इस कैथल की आवाज के पत्रकारों ने इसके बारे में एक पंक्ति कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है, कैथल की आवाज सिर्फ बगावत करता है, नालो तलवे चाटते बगावत कौन करता है। आइए, धन्यवाद आवाज। आइए, बहुत ही शानदार अद्भुत ऐतिहासिक होली महोत्सव का, होली की हुड़दंग का, होली की उमंग का, नवरंग का ये कवि सम्मेलन था। बस मैं सभी कवियों को, तमाम दर्शकों को, जो हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि गीतकार युवा गीतकार जिन्होंने देश विदेशों में अपना परचम लहराया, आदरणीय हरि जी व्यास उपस्थिति इनकी पावन चरण वंदन करता हुआ, इनके साथ ही देश विदेश में सर्वश्रेष्ठ संचालन करने वाले आदरणीय विजय सिंह विदोई साहब हमारे बीच में उपस्थित थे, इन्होंने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। इसके साथ ही हमारे पास गौ माता पर कविता पाठ करने वाले आदरणीय सुरेंद्र जी सुमन साहब उपस्थित थे, इन्होंने भी शानदार काव्य पाठ किया है। इसके साथ ही हमारे बीच में धनपाल धमाका साहब है। तो कैथल के आवाज के इस कवि सम्मेलन के मंच की शोभा बढ़ाने जन जन के हितेशी और समाज सेवी और प्रतापगढ़ ने हर युवा के चहेते और प्रतापगढ़ से लेके बड़ी सादरी तक अपना परचम लहराने वाले मेरे प्रिय मित्र सुरेंद्र जी चंडालिया हमारे बीच मौजूद है, और मैं हृदय की गहराइयों से कैथल की आवाज के इस डिजिटल मंच पर इनको पधारने पर इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये जिस मनोरथ को लेकर चल रहे हैं उसमें इन्हें सफलता मिले और भगवान सांवरिया सेठ की कृपा बनी रहे।
तो कांठल की आवाज का ये मंच है और परम सम्मानीय अतिथि हमारे बीच में है और कवियों की इसी जमात के बीच में जब समाज सेवी बैठते हैं तो उस जमात की शोभा और बढ़ जाती है। तो किसी भी कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं और मेरे सहज और सरल और मेरे बचपन के साथी और मेरे क्लास फेलो कहूँ और मेरे लगते जिगर कहूँ जो भी कहूँ कांठल की आवाज में इनका बहुत सम्मान है। मेरे परम मित्र सुरेंद्र चंडालिया को मैं आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आकर और इन कवियों के सम्मान में और हमारे उत्साहवर्धन के लिए दो शब्द कहें। मेरे बचपन के साथी मनोज जी राठौड़ जो हमारे बचपन की यादें ताजा कर देते, हम इसी मार्ग से आदर्श स्कूल जाते थे और एक ही बेंच पे बैठते थे, तो आज सभी अपने अपने क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र है, चाहे कवि का क्षेत्र है, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र है, चाहे हमारे कोई भी क्षेत्र, सभी साथी अपने अपने माननीय सुरेंद्र जी, विजय जी, विद्रोही जी जैसे सभी कविगण, हरी जी से मैं पढ़ा हुआ, उनका मार्गदर्शन लिया, सभी अपने अपने क्षेत्र में उन्नति प्रगति कर रहे हैं और ये प्रतापगढ़ का सौभाग्य है कि प्रतापगढ़ को इतने सारे कवि मिले हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बिखेरते हैं और अपने कविता का पाठ करते हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रतापगढ़ वासियों को, जिले वासियों को तथा पूरे प्रदेश वासियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं एक बार पुनः आप सभी कविगण का और मेरे मित्र काठल की आवाज के मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अपनी ओर से काठल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मनोज जी ने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रतापगढ़ की समस्याओं को जो आम जन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको जागरूक करें तथा प्रतापगढ़ की जनता को उन समस्या से निजात दिलाने की कोशिश करें। तो हमारे बीच मंच पर समाज सेवी सुरेंद्र जी चंडालिया हैं। मैं आग्रह करूंगा कि हम कवि लोगों का उत्साहवर्धन करें और एक छोटी सी यहाँ से कांठल की आवाज के माध्यम से दी गई है उसे स्वीकार करें। मैं सुरेंद्र जी चंडालिया से आग्रह करूंगा कि पुरस्कार वितरण करें।